दुष्यंत ने क्या खूब कहा था, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। देश के प्रधान सेवक के सजदे में लगी लंबी कतार में किसका सिर कितने देर तक झुकता है, इसकी होड़ सी मची हुई है। नेताओं के भाषण पर बजने वाली ताली पल भर के लिए हौसला बढ़ाती तो जरूर है, लेकिन सच्चाई के सामने इसकी औकात पानी के बुलबुलों सी होती है। आगे बढ़ने से पहले आप गौर से सुनिए बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे सुशील मोदी को। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हम लोग 17 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यहां बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हर तरफ एतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। डिप्टी सीएम से सीएम बनने की चाह थी मगर पार्टी ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उसी उम्मीद में फसाना सुनाता हूँ। बात सुशील मोदी की हो रही है, एक कार्यक्रम में बयान दिया, बयान का वीडियो ट्वीट भी कर दिया, लेकिन देश में खाली बैठे लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि समय काटने के लिए किसी के भी वॉल पर डाटा पेश करने लगते हैं। यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है। मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर एसटी देवेगौड़ा तक की मिसाल दे दी, बताया कि सुशील जी ये भी सीएम थे और आगे चलकर पीएम तक बने। खैर राजनीति है, राजनीति में सब चलता है, जिस बात पर जनता ज्यादा ताली बजाए उसका जिक्र जरूरी होता है। बाकी ट्रोल करने वालों की बात ही क्या है, उनके पास आजकल खूब समय जो है। समाचार प्लस के लिए हाजीपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।